आज एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई थी जिला कैथल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा जो श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू की, उसके बाद कई स्टेट में होते हुए पहले चरण के फेस में हरियाणा पहुंची थी। अब दूसरे चरण में ये 6 जनवरी को पानीपत पहुंचेगी और पानीपत में ही 6 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के भी बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा और भी कई अन्य नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो श्री राहुल गांधी ने एक संकल्प लिया है कि इस बीजेपी सरकार जो देश में एक नफ़रत के बीज बो रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दिखा रहे हैं, कहीं ऊंची जाति पिछड़ी जाति का झगड़ा दिखा रहे हैं और विशेषकर हरियाणा में जो जाट नॉन जाट का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सभी मुद्दे एक देश में और विशेषतः हरियाणा में एक लोगों के बीच में भाईचारे को ख़राब करने वाला, ईर्ष्या द्वेष पैदा करने वाला माहौल पैदा कर रहे हैं। उसी और कांग्रेस जो हमेशा एक 36 बरादरी की पार्टी रही है, जिसमें सभी जातियों का एक मतलब सारी जातियां कांग्रेस में सम्मिलित रही हैं और जातिवाद से उठकर ही कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है, और उसी जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, उस द्वेष को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की है, उसी की एवज में पानीपत में जो 6 तारीख को रैली रखी गई, उसमें सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और बीजेपी की इस निकम्मी भ्रष्ट और जो जातिवादी राजनीति करते हैं उसको एक ख़त्म करने का एक संकल्प लिया जाएगा। तो इसी एवज में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें सभी कांग्रेसजनों ने भाग लिया और इसमें बढ़ चढ़ कर सभी भाग लेंगे। यौन शोषण का मामला जो आया है संदीप सिंह के बारे में, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बीजेपी के राज में ऐसे कांड काफ़ी, अब करप्शन भी काफ़ी हाई लेवल पे चल रही है और यौन शोषण के मामले भी सामने आ रहे हैं और जातिवाद के मामले सामने आ रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर पानीपत रैली में भी विचार किया जाएगा। अपने उच्च स्तर को रखते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए और जब जांच में अगर वो साफ पाए जाते हैं तो उसके बाद जो सरकार चाहेगी वो कर सकती है।